मित्रों एक नानकड़ू पंखीना माळा जेवड़ू गाम छे अने गामना छेवाड़े एक गोगा महाराजनो धूड़नो धड़ीमलो छे। मित्रों मंदिर तो खूबज नानू हतू पण ए मंदिरमां बैठेलो मारो धरतीनो धणी के जेना काम खूबज मोटा हता। पांचमना दिवसे तो आ गोगा महाराजना मंदिरमां दूधनी रेलम छेल थाती अने आ मंदिरमां एक गोगा महाराजनो भूवो हतो जेनुं नाम हतुं पारजी। पारजी ने गोगा महाराज धूणवा आवता अने कोई दुखियारू बापा धणीना मढळे आवे ने तो पारजी भूवा ने मारो नाथ सपने आवी अने एना दुखनुं कारण काढता आवी जेनी भक्ति हती। त्यारे एक दिवसनी वात छे अने गोगा महाराजनी पांचमनो दिवस छे अने आखू गाम भेगू थयुं छे त्यारे ते गाममां रहेतो एक वाणियो गोगा महाराजनी नानकड़ी सोनानी मूर्ति लई अने मंदिरमां मूके छे। त्यारे पारजी भूवा पूछे छे के भाई आम सोनानी मूर्ति लावानुं कारण शुं छे। त्यारे वाणियो बोल्यो के भूवाजी वेपार धंधामां खूब ज खोट गई हती पण ज्यारथी गोगा महाराजनी माळा हाथमां लीधी ने त्यारथी बधी ज वाते लीला लहेर छे। भले बापा आ तो मारो धरतीनो नाथ छे ए धारे ए करे। त्यारे गामनो एक माणस अने नाथाभाई जेनुं नाम छे के भूवाजी आपणे तो हमणां पांचम भरी अने घरे जता रहीशुं पण आम वन वगड़े एकला मंदिरमां आ सोनानी मूर्ति राखीशुं अने कोई चोर आवी अने चोरी जशे तो एना करता आपणे मंदिरमां ताळुं मारवानुं राखीए। त्यारे पारजी भूवा बोल्या के भाई नाथा एमां ताळा मारवाना ना होय आ तो आपणो महाराज छे अने जो आपणो नाथ आपणने बधाने साचवतो होय तो शुं एनी एक मूर्ति नहीं साचवे। के वात तो साची गोगा महाराजनी मिलकत छे तो गोगा महाराजने ज साचवी पड़े ने। पछी तो गोगा महाराजनी पांचम भरी अने बधा सौ सौना घरे गया अने रात पड़ी अने रातना बार एक वाग्यानुं टाणुं थयुं ने त्यां तो नाथो पोताना घरे बैठो बैठो विचार करे छे के गोगा महाराजनी मूर्ति खूब ज कीमती छे अने जो रातना समय जई अने लई आवुं ने तो मने कोई जोशे पण नहीं अने आम विचार करी अने अर्धी राते नाथो वगड़ामां गयो अने गोगा महाराजनी सोनानी मूर्ति लई अने घरे आव्यो अने वहेली सवारना परोढ़िए पोतानुं गाम छोड़ी अने पोतानी बहेनना घरे गामद्रू करवा चाल्यो जाय छे। त्यारे सवारे उगता सूरजनी साथे पारजी भूवो मंदिरे धूप दीप करवा आव्या ने त्यां तो जुए छे तो तेमनी आँखो फाटी गई छे सोनानी मूर्ति गायब छे। त्यारे पारजी भूवो गोगा महाराजना मंदिर सामे बे हाथ लांबा करी अने एटलू बोल्या के हे मारा धरतीना धणी मैं तो तारा उपर आंधळो विश्वास मूक्यो हतो के तू अमने बधाने साचवे छे पण बापा आजे तू तारी एक सोनानी मूर्ति ना साचवी सक्यो तो पछी अमारा जेवा तुच्छ माणसने तो तू शू साचववानो बापा। पछी तो पारजी भूवा गाममांथी एक ताळू लाव्या अने महाराजना मंदिरे ताळू मारी दीधुं के बापा આજથી તારે પણ મંદિરમાં પુરાઈને રહેવાનું છે કેમ કે રાતોરાત કોઈ કાળા માથાનો માનવી તને ચોરીને ના લઈ જાય ને એ માટે તારી રક્ષા માટે તારા મંદિરે હવે મારે તાળા મારવા પડ્યા છે। મિત્રો પારજી ભુવાએ આટલું મેણું માર્યું ને ત્યાં તો રાફડામાં સૂતેલો મારો જાફરિયો ગોગો જાગ્યો અને રાત્રિના ટાણે પારજી ભુવાના સપને આવ્યો કે હે પારજી ભુવા આજે તે મને મેણું માર્યું ને તો ભલે માર્યું પણ હે મારા ભુવા જો પાંચ દિવસમાં એક મૂર્તિ ગઈ છે પણ જો એક મૂર્તિની જગ્યાએ બે સોનાની મૂર્તિ સાથે પાછો ભરું ને તો માનજે કે તારો જાફરિયો ગોગો મહારાજ બોલ્યો હતો। પછી બીજી બાજુ પેલો ચોર પોતાની બહેનના ઘરે રહેવા ચાલ્યો ગયો હતો અને બપોરના સમયે જ્યારે જમવાનો સમય થયો અને જમવાનું પીરસાઈ ગયું અને ત્યારે નાથાએ જમવાની થાળીમાં જેવો હાથ નાખ્યો ને ત્યાં તો થાળીમાં મારો ધરતીનો ધણી નાગના સ્વરૂપે દેખાણો। પછી તો હાથ પાછો ખેંચી લીધો અને થોડીવાર પછી થાળીમાં ફરી જેવો હાથ નાખ્યો ને ત્યાં તો ફરીવાર ફેણધારી શેષ નાગ દેખાણો। ત્યારે બહેન બોલી કે હે ભાઈ તમારી મનગમતી રસોઈ બનાવી છે તો આજે જમતા કેમ નથી કે બહેન મારે નથી જમવું મારી તબિયત સારી નથી આમ કહી અને નાથો ઊભો થઈ જાય છે। પછી રાત પડી અને રાતના સમયે
फरी बहने जमवानू पीरस्यू अने नाथो जमवा बैठो अने जेवो थाळी मां हाथ नाखे छे त्यां तो काळो नाग देखाणो। बीजी वार पण नाथो ऊभो थई गयो त्यारे बहन कहे छे के हे भाई तने शू थयुं छे के काई नहीं बहन मारी तबियत खराब छे तो मने जमवानू भावतू नथी। पछी तो एक बे अने त्रण त्रण दिवस सुधी आवू चाल्यू अने नाथो हवे भूखना कारणे आकूड़ व्याकूड़ थवा लाग्यो अने पोतानी बहन ने काई कई पण सकतो नथी। त्यारे त्रीजी रात्रे पण एक लोटो पाणी पी अने नाथो भूख्यो ने भूख्यो सूई जाय छे अने रातना नाथाना सपनामां गोगो महाराज आव्या के हे नाथिया ते मारी सोनानी मूर्ति चोरी छे अने ए वातने लई अने मारा भुआए मने जे मेणा मार्या छे अने मैं पण मारा भुआने वचन आप्यु छे के एक मूर्तिनी जग्याए जो बे सोनानी मूर्ति लईने पाछो आवु तो मानजे के तारो गोगो महाराज बोल्यो हतो। के हे नाथिया बोल हवे तारे जीवू छे के पछी मरी जावू छे। के बापा मारी भूल थई गई मने माफ करो। के एम माफ ना करूँ काले सवारे एकनी जग्याए बे मारी सोनानी मूर्तिओ लई अने मारा मढड़े आवी अने माफी मागे ने तो तने जवा दऊँ। बाकी तो जो आम ने आम तने भूख्यो ने भूख्यो ना मारी नाखूँ ने तो मारू नाम पण जाफरियो गोगो महाराज नहीं। पछी बीजो दिवस उग्यो त्यारे नाथियाए एनी बहन ने आ बधी ज वात करी। त्यारे नाथानी बहन कहे छे के भाई तमे जे काम कर्यु छे ने ए खूब ज खोटू काम कर्यु छे अने शरमजनक काम छे। तमे तमारी जमीन जागीरी क्यांक अडाणी मूको पण गोगा महाराजनी बे मूर्तिओ लावी अने मंदिरमां मूको नहींतर तमने गोगो महाराज जीववा नहीं दे। पछी तो नाथो बे मूर्तिओ लई अने भर्या गामनी वच्चे वागता ढोले गोगा महाराजना मंदिरे आवे छे अने बधा गाम लोको अने गोगा महाराजनी माफी मागी अने मंदिरमां बे मूर्तिओनुं સ્થાપન કરે છે અને પારજી ભૂવો ગોગા મહારાજના ગુણલા ગાતા કહે છે કે આખી ધરતીના બાપા તમે ધણી હાચવજો બાળ જોણીને। મિત્રો આવા કામ છે મારા ગોગા મહારાજના। મિત્રો તમને જો આવા વિડિયો રોજેરોજ સાંભળવા ગમતા હોય તો આજે જ અમારી ચેનલ વહાણવટી ડિજિટલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।